हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। चलो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही प्रोडक्टिव डे थी, मेरी फ्लाइट भी थी और साथ में मैंने बहुत सारे काम भी करे हैं। तो शुरू करते हैं। पहले तो मैं आज बहुत ही जल्दी उठ गई थी, 11 बजे तक निकलना था मुझे, पर मैंने सोचा कि नहीं, जल्दी उठ जाती हूँ। बहुत सारे काम ऐसे पेंडिंग थी तो मैंने सोचा जल्दी उठ के सारे काम भी कर लेती हूँ। जब ऐसे बहुत सारे काम पेंडिंग रहते हैं तब मुझे थोड़ा सा ऐसे अजीब सा लगता है कि कब करूँगी, इसीलिए कर लेते हैं तो उसके बाद एक पीस ऑफ माइंड होती है कि नहीं, सब कुछ कर लिया। सुबह उठ के मैं नहा ली थी और नहाने के बाद मैंने सोचा एक बार मैं छत पे जाती हूँ। तो हाँ, मैं थोड़ा सा ऐसे छत पे जाके घूम के आई। नीचे आके देख रही हूँ कि पेनी उठ गई है और उठ के यहाँ पे आई है, लाइट लेके खेलना है उसके साथ, पर अभी खेलने का टाइम नहीं है मेरे पास, तो उसको खाना खिला दूंगी थोड़ी देर में। उठ गई हूँ तो पूजा भी कर लेती हूँ। सुबह उठ के अगर मेरे पास टाइम है तो सबसे पहले मैं पूजा ही कर लेती हूँ। शाम को भी अगर मैं रहती हूँ तो पूजा करती हूँ। आज जैसे मैं नहीं रहूंगी, मैं फ्लाइट के लिए जाऊंगी, लौटते लौटते लेट हो जाएगी, तो इसीलिए पूजा अभी कर रही हूँ। शाम को मैं धूनी भी जलाती हूँ, पर अभी मैं अगरबत्ती जला दूंगी बस। और ये तो मैं दिल से कर रही हूँ, बहुत ही पहले की टाइम नहीं होती थी मेरे पास, तो कभी कभार कर लेती थी। अभी अकेली रह रही हूँ तो मेरे पास काफ़ी सारा टाइम है और मैं ये एकदम टाइम लेके करती हूँ तो बहुत अच्छा भी लगता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप भी जो भी रिचुअल्स हैं आपके रिलीजन के, जब आपको आपके पास समय होती है, आप समय लेके करते हो, बहुत दिल से करते हो, तो एक अलग फीलिंग होती है। मुझे तो होती है, आपको भी वो सेम फीलिंग होती है कि नहीं। कुछ दिनों से सुबह उठ के मैं ऐसे एलमंड्स भिगो के रखती थी और वो खा रही थी और फिर चाय पी रही थी। कल रात को मैं भिगोना भूल गई हूँ। अभी ऐसे सूखा मैं खा सकती हूँ, पर मैंने सोचा चलो एक दिन कोई बात नहीं, मैं चाय पी लेती हूँ, आज एक दिन मिस हो गई। यहाँ पे मैं दूध उबाल ली थी, फिर चाय पत्ती डाल दी और शक्कर बहुत ही कम डाल रही हूँ। एक दिन ना मैं शक्कर की जगह ऐसे गुड़ डाल दिया था, अब मुझे पता नहीं था कि गुड़ के अंदर क्या होती है, खट्टा कुछ शायद, और आके मैं देख रही हूँ कि मेरे चाय ऐसे फट गए हैं, मतलब दूध फट गए। मुझे नहीं लगा था ऐसा हो सकता है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? आप बताना मुझे। ये चाय मेरी बन गई है ऑलमोस्ट, दूध उबाली थी तो ज़्यादा नहीं उबालूंगी, ऐसे एक दो बार उबलने दूंगी और फिर इट विल बी रेडी। और आज मैं ये वाले चाय कप्स यूज़ कर रही हूँ जो मैं अभी लेके आई थी, 6 के सेट जो थे। इसमें चाय थोड़े कम आते हैं, दैट इज़ गुड, बिकॉज नहीं तो आई एंड अप ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ टी विच इज़ नॉट गुड। एक चीज़ अच्छी हुई है पता है, फ्लाइट में अभी चाय पीना बिल्कुल बंद हो गई है, क्योंकि चाय के फ्लेवर वो चेंज किए हैं और अभी के जो चाय है मुझे पसंद नहीं आई, तो इसीलिए अभी मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। कॉफ़ी तो मैं वैसे भी नहीं पीती हूँ, कभी कभार हॉट चॉकलेट, बट देन दैट टू बहुत ही रेयरली नाउ अडेज, विच इज़ गुड बिकॉज एक तो फ्लाइट जो है वो प्रेशराइज्ड रहती है, फिर एसी चलती है, अगर उसके ऊपर से आप बहुत सारी गर्म चीज़ें पी रहे हो तो आपको डिहाइड्रेशन होती है, इसीलिए इट्स बेटर नॉट टू ड्रिंक हॉट ड्रिंक्स लाइक टी, कॉफ़ी एंड थिंग्स। हॉट चॉकलेट कभी कभार ठीक है, बट या अभी तो गर्मी भी आ गई है, इतना एक तो गर्मी कमी नहीं होती है, एसी भी चलती है फ्लाइट के अंदर, जब ऑन ग्राउंड होते हैं ना तभी भी इतना ज़्यादा गर्मी लगती है। एंड दिस ईयर टेम्परेचर के जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। फ्रेंकली जब एक दिन मैं फ्लाइट करके नीचे उतरी कुछ 12:30 1 o'clock एट द आफ्टरनून, और नीचे उतरते ही मुझे लगा कि हमारी पोज बन जाएगी लिटरली, वो इतना ज़्यादा गर्म था। एक तो जो हमारे टर्मैक होती है वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, एक तो एयरक्राफ्ट खड़ी रहती है, फिर इंजन का भी एक टेम्परेचर होती है उस जगह पर, लाइक बाहर नॉर्मल रास्ते में जो गर्मी होगी उससे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होगी एयरपोर्ट के अंदर जहाँ पर एयरक्राफ्ट सारे खड़े रहते हैं। हमारा फिर भी क्या है कि हम फ्लाइट के अंदर रहते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऑफकोर्स, तो वहाँ पर एसी चलती है, भले ही थोड़ा बहुत गर्मी लग रही होगी, पर जो लोग बाहर हैं उनका तो मैं सोच भी नहीं सकती। और नीचे में बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे इंजीनियर्स हो गए, ग्राउंड स्टाफ्स हो गए, रैम स्टाफ्स हो गए, जो लोग लोडिंग वगैरह करते हैं वो लोग, फिर सिक्योरिटी स्टाफ भी काम करते हैं। ऐसे गर्मी में उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है काम करना, बट सब कोई कर रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते एक्चुअली। ये जगह बहुत दिन से मैसी पड़ी थी, मैं सामान भी जो खरीद के लेके आई थी वो भी पड़ा था, फिर साथ में जो बेडशीट्स वगैरह मैं वॉश की थी वो भी यहीं पर पड़ा था बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिल रही थी। तो आज मैंने सोचा मेरे पास टाइम है, ये सब कुछ मैं समेट लेती हूँ, बेडशीट वगैरह सब कुछ फोल्ड कर लिया, और जो पिंक कलर के वो शॉल है ना जो मैं ओढ़ती हूँ वो मुझे धोना पड़ेगा। अब जब मैं फोल्ड करी थी तब तो मुझे पता नहीं चली, पर देन जब मैं वीडियो एडिट करी थी तब देखा कि उसमें कुछ ऐसे दाग लगे हैं, एंड आई एम नॉट श्योर किस चीज़ का। फिर अभी जब मैं रिकॉल कर रही हूँ तो मुझे याद आ रही कि दिया जो मैं जलाती थी ना वो घी थोड़ा ज़्यादा ही मैं डालती थी और उस दिन गिर गया था, और वो ही जो गिरा उसके बाद मैंने धो दिया, बट देन ऑफकोर्स वो गई नहीं है, सो हैंड वॉश करनी पड़ेगी, वॉशिंग मशीन में डाल दी थी। ये मम्मी
मम्मी हमेशा करती है, मैं देखती हूँ कि वॉशिंग मशीन में अगर डालती भी है उससे पहले जहाँ जहाँ पे थोड़े से जिद्दी दाग लगे हैं उसको अपने हाथों से पहले क्लीन कर लेती है, उसके बाद डालती है, क्योंकि मशीन में सारे दाग एक्चुअली में नहीं जाते, जो एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं ना कि एक मतलब जो भी डिटर्जेंट पाउडर का एडवर्टाइजमेंट होती है वहाँ पर दिखाते हैं कि ऐसे डाले और ऐसा हो गया, पर नहीं होता है। डिटर्जेंट कैसा भी हो जो जिद्दी दाग होते हैं वह हाथों से ही आपको रगड़ना पड़ेगा, तब भी जाके वो जाती है, मशीन में तो जाती नहीं है। देखो मुझे लगा था चला गया पर वो दाग अभी भी है, सो आई हैव टू वॉश इट अगेन। सारी चीज़ जो जहाँ पे रखना है वो मैं रख रही हूँ। ये मेरे चाय के जो जगह, इसमें से एक निकाल के लेके गई थी मैं पीने के लिए, देखो एक का जगह खाली है, बाकी 5 है 4 का सेट होता तो बेटर होता, बट देन हाँ भाई तो आता ही नहीं है, वैसे मम्मी पापा ही आते हैं, बस 6 का भी चलेगा कोई बात नहीं। अब ऑलमोस्ट डन, ये जो है इसके अंदर मेरे शूज़ है बस, उसको भी मैं जगह पर रख दूंगी, और ये मैं जो खरीदी हूँ ना ये भी मैं यूज़ करूँगी थोड़े दिन में, जब बेडशीट भी यूज़ करूँगी, सेम कलर की ली थी मैं, इट लुक्स प्रेजेंटेबल एंड इट लुक्स गुड एक्चुअली। तो वो कॉटन के हैं, कंबल जैसा ही है, कॉटन के हैं, बस कॉटन के होते हैं तो लाइक क्लीन भी करो जल्दी सूख भी जाएगी और फिर वो स्मेल नहीं करती है। दूसरे मटेरियल जो है ना थोड़े दिन के बाद आपको क्लीन करती रहनी पड़ेगी, एंड अभी तो गर्मी है सूख जाती है, बरसात में उसको धो के सुखाना एक टास्क हो जाती है, और अगर एक दिन के अंदर अंदर नहीं सूखे तो उसके अंदर से जो स्मेल आती है दैट इज़ लाइक हॉरिबल, उसके बाद आप यूज़ ही नहीं कर सकते उसको, पता है, मतलब दोबारा धोए बिना। फिर ये मेरे शूज़ के मतलब वो है जहाँ पे मैं सारे मेरे शूज़ रखती हूँ, आधे जो डब्बे है वो खाली है, पता है जो डब्बे खाली थी उसमें से ही मैं निकाल के रहा हूँ। मेरे को डब्बा कलेक्ट करने का एक आदत है, मतलब डब्बा मेरा ख़त्म भी हो जाता है ना चीज़ें, वो मेरे से फेंकी नहीं जाती है, मैं उसको भी कहीं पर रख देती हूँ जब तक कि मेरे पास स्पेस कम हो जाए, और तब फेंकती हूँ मैं कि नहीं अभी स्पेस नहीं है तो फेंक देते हैं। ये जो बैग्स है, हर बार मैं सोचती हूँ कि मैं शॉपिंग के लिए जब जा रही हूँ, मुझे पता है मैं चीज़ें खरीदूंगी तो बैग्स लेके जानी चाहिए ना, बिकॉज दिस चार्ज लाइक 15-20 rupees यू नो ईच बैग। इस बार भी मुझे 3 bags लगे हैं, और मेरे पास ऑलरेडी ऐसे कितने सारे बैग्स हैं, जहाँ पे पेनी खड़ी है ना वो वाला जो बॉक्स है उसके अंदर सारे ऐसे बैग्स रखा है, पता है, पर हर बारी मैं भूल जाती हूँ बैग्स लेके जाना। मुझे तब याद आती है जब वो लोग बोलते हैं मैम आपको कैरी बैग्स लगेंगे, और जब मैं देखती हूँ वो चार्ज करते हैं 20-25 rupees, कभी कभार उससे भी ज़्यादा, पहले तो 5 rupees चार्ज करते थे। आई एम सो मिडिल क्लास गाइज, जो भी है लाइक 3 bag के लिए अगर मैं इसे 90 rupees पे कर रही हूँ दैट्स टू मच फॉर मी, बट देन हर बारी मैं भूल जाती हूँ, पूरा बक्सा पड़ा है, बैग भर भरती है सब कुछ, फिर भी चलो कोई ना, ये हो गया है। ये बेडशीट तो मेरे गंदे नहीं हुए अभी मैं बिछाई थी, और यहाँ पे हम सो भी नहीं रहे, पेनी सोती है कभी कभार आके, उसको ये घर काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, हाँ फिर भी लाइक कमरा घर बोल रही हूँ, हम बंगाली में ना कमरे को भी घर बोलते हैं, इसीलिए कभी कभार मैं गलती से घर बोल देती हूँ, तो ये वाला कमरा काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। छोटे वाले जो है वहाँ पे विंडो ऐसा है कि गर्मी हो भी जाती है तो जल्दी ठंडा भी हो जाता है शाम को, पर ये ठंडा नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे नहीं सो रहे हैं बिल्कुल भी। और फिर ये काफ़ी बड़ा भी है, मुझे ऐसे खाली खाली ऐसा लगता है, तो इसीलिए छोटे वाले में मैंने और भी वार्डरोब वगैरह रख दिए, तो भरा भरा हो गया एकदम, वहाँ पे खाली खाली महसूस नहीं होता। एक बार मैं सोची थी ना इसके चारों कोने में जो वो लगाते हैं ना एक स्टैंड लगा के, आई विल पुट दैट कर्टन जैसे, फिर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वो हो रहा था चार्जेस, पता है, मैं देख रही थी अमेजोन में वो लगाने के लिए, उसके साथ कर्टन एंड एवरीथिंग मिला के 10,000 से भी ज़्यादा प्राइस हो रही थी, एंड आई एम लाइक अननेसेसरीली क्यों करना है मुझे छोटे वाले कमरे में, एक तो ये मेरी घर भी नहीं है, रेंट पे रहती हूँ, क्या पता कल को मैं मूव करूँ, ऐसे तो मैं बोर हो गई हूँ फ्रैंकली ऑलरेडी, बिकॉज इट्स बिन 2.5 years, अब मेरा जो एग्रीमेंट है वो भी ख़त्म होने वाली है, सो आई गेट रियली बोर्ड लाइक 2 साल के बाद ही कोई भी घर पे मैं रहूँ, इससे पहले भी जहाँ पे भी रही हूँ 1.5-2 साल के बाद ही मैं बोर हो जाती हूँ। अपने घर पे कभी नहीं हुआ ये सच में, मैं मतलब बचपन से एक ही घर थे हमारे और वहीं पे पले बड़े हैं, एक तो घर थी पहले बस, उसके बाद मेरे पापा वो थोड़ा ख़राब हो गया था, तो माई डैड हैज़ बिल्ट अ हाउस बट देन सेम जगह पर, और वहाँ पे हम बचपन से मेरे 20-21 साल तक मैं वहीं पे रही हूँ, और अभी भी जाती हूँ ना मैं वहाँ पे, जो भी यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है लाइक मैं सो नहीं पा रही हूँ रात को, मैं रेस्टलेस होती हूँ बहुत ज़्यादा, मैं थोड़ी सी टेंशन में भी हूँ, और मैं थोड़ी डिप्रेस्ड भी हूँ, भले ही मैं कितना इग्नोर करने की कोशिश करूँ पर ये सारी चीज़ें सच है। पर मैं ना जब वहाँ जाती हूँ मैं ऐसे सोती हूँ, मेरे को टेंशन भी गायब हो जाती है, क्या डिप्रेशन है मैं उसका, डिप्रेशन का मुझे वहाँ पे जाने के बाद मीनिंग भी मैं भूल जाती हूँ सच में, एंड यस लाइक आई कैन स्लीप 24 hours अनइंटरप्टेड टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक वो एक वाइब होती है जो अपने घर पे मिलती है जो कहीं और मिल ही नहीं सकती, पर मेरे लिए कोलकाता में रहते हुए भी वहाँ से आना जाना करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एयरपोर्ट से वो कुछ 70 kilometers के डिस्टेंस है 1 way,
तो आना जाना मिला के 140 किलोमीटर्स, विच इज़ बियॉन्ड इम्पॉसिबल विद ट्रैफिक एंड थिंग्स। और हमारी फिक्स ड्यूटी नहीं होती है, कभी सुबह कभी शाम को, कभी कभार ऐसे होते हैं कि 3.5-4 घंटे लग जाते हैं एक बार आते समय मेरे पापा को। तो 4 घंटे में तो मैं एक बागडोगरा फ्लाइट करके भी आ जाऊंगी। अभी जैसे यहाँ पे देखो मैं तैयार हो गई, लिपस्टिक लगा रही हूँ, आप बस देखना। सच में अगर मैं पूरा भी फिल्म करूँ ना, मुझे 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता मेरे घर से एयरपोर्ट जाने के लिए। एक तो मैं चुनी हूँ ये जगह इसीलिए ताकि मैं बचपन से बहुत ट्रैवल की हूँ, मेरे पढ़ाई, ट्यूशन के लिए, कॉलेज के लिए, हर चीज़ के लिए। अभी ट्रैवल में मुझे अगर मैं आधा घंटा भी दे रही हूँ ना, मुझे टाइम वेस्ट लगता है। और इसीलिए मैं एयरपोर्ट के इतने बाजू में रहती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलती है जो और थोड़ा आगे चले जाओ सिटी की तरफ तो मिलती हैं, बट आई एम ओके विद दोज थिंग्स। गाँव में मुझे कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं मिली है इतने साल तक। अभी यहाँ पे आके जितनी फैसिलिटीज़ मुझे मिलती है ना, वो काफ़ी है। अब देखो, एक तो चीज़ों के बारे में मैं आपको बताना चाहती थी इस वीडियो में कि गाइज आप लोग बहुत ज़्यादा वो हस्बैंड चीज़ को लेके एग्जैजरेट करते हो। मुझे एक्चुअली में नहीं पता कि कैसे आप लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए उनके ऊपर कि मतलब कहाँ है क्या है। शायद मतलब नॉर्मल है, बट बस इतना मैं बताऊंगी आपको कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती, पर ये भी मैं प्रॉमिस करूंगी आपको कि जब भी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगा, मैं आपके पास आके सब कुछ बताऊंगी कि क्या हो रही हैं, क्या हुए हैं और फ्यूचर में क्या है सब कुछ। बट मुझे क्लैरिटी मिलना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके मैं आपको क्लियर बता पाऊंगी। मैं ऐसे वेगली कुछ भी नहीं बताऊंगी कि जिसके वजह से बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाए। और क्यूरियोसिटी है दैट आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि मैं अपने लाइफ ऑनलाइन दिखाती हूँ तो आप मेरे साथ जुड़ते हो, मेरे मतलब लाइफ के साथ जुड़ते हो, तो आपको क्यूरियोसिटी होना ज़रूरी है। पर कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही उंगली करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। आई मीन आई डोंट गेट बॉदर्ड बिकॉज मेरे लाइफ में इतनी सारी चीज़ें साथ में चल रही हैं, उसके हिसाब से अगर देखूँ तो ये ऑनलाइन कमेंट्स और जो भी चीज़ें आते हैं मैं पढ़ती हूँ, पर मुझे इतना बॉदर नहीं करता बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट मोर देन दैट वॉट यू सी ऑनलाइन। ऑफकोर्स मैं तो बताती ही नहीं हूँ, अब बताने जैसी चीज़ भी नहीं है। और मैं बोलूँगी आप भी डिप्रेस हो जाओगे, क्या ही होगा बता के, है ना। और एक रिक्वेस्ट भी है कि बस थोड़ा मेरे तरफ से भी सोचिएगा कि जो इंसान इतने पॉजिटिव रहते हैं, मतलब मेरे को दुनिया का ता पता नहीं है, मैं अपने में रहना पसंद करती हूँ, मैं बिलीव करती हूँ कि मैं भी जीना चाहती हूँ, मैं आसपास के लोगों को भी जीने देती हूँ जैसे मर्जी, बट देन फिर भी लाइफ में कभी कभार ऐसे सिचुएशन आते हैं जब आप डिप्रेस हो जाते हो, आप कितना भी कोशिश करो फिर भी आप ओवरथिंक करते हो, आप टेंशन में आ जाते हो, आपको नींद नहीं आती रात को। बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए ये सब गो थ्रू करना, बट देन आई एम स्टिल गोइंग थ्रू एंड देन आई एम स्टिल बीइंग ट्राइंग टू बी नॉर्मल एज मच एज पॉसिबल। मैं ऐसा भी होता है कि बहुत कुछ चीज़ों से गुजर रही होती हूँ और उस दिन भी मैं उठ के तैयार होकर मैं फ्लाइट के लिए जाती हूँ। बहुत बड़ी बात होती है, पता है, एक जगह बनाने के लिए आपको सालों साल लग जाते हैं पर उसको खोने के लिए आपको 2 मिनट भी नहीं लगती। तो जो जगह मैं बनाई हूँ बहुत मेहनत से, मैं उसके लिए कितना भी हार्डवर्क करने के लिए तैयार हूँ और मैं अभी भी कर रही हूँ। और ये भी बोलूँगी कि मुझे पता है कि देयर विल बी पीपल हु विल बी हैप्पी टू हियर दिस कि आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट, देयर आर पीपल हु आर इमेंसली जेलस ऑफ मी। मुझे पता है वो लोगों को बहुत खुशी होगी जानकर कि आई एम गोइंग थ्रू ऑल दिस, बट देन गाइस इतना भी हैप्पी मत हो, जब मैं गो थ्रू कर रही हूँ आई एम बीइंग इवन स्ट्रॉन्गर, और उसके बाद जो आएगी ना उससे आप और ज़्यादा जेलस हो जाओगे। एंड ऑल्सो मैं एक पोस्ट करने वाली हूँ, Q&A वीडियो बनाऊँगी, उसके लिए आप अपनी जो भी क्वेश्चन है वो सारे उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में डाल देना। एक दो इंटेंस क्वेश्चन को छोड़कर मैं बाकी सारे क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश करूंगी। और मुझे पता है मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे चीज़ों से गुजर रहे हैं, अगर आप चाहते हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। लास्ट टाइम भी जब मैं बताई थी बहुत सारे DMs आए थे मेरे पास, बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे और कुछ ऐसे भी DMs आए हैं जो देखने के बाद मुझे लगा कि मेरी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। जब मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा ऐसे पिटी फील करती हूँ तब मैं यही सोचती हूँ कि देयर विल बी समवन हु इज़ गोइंग थ्रू इवन मोर, ये सब कुछ नहीं है। और जो लोगों को ये किसी के मिजरी देखकर बहुत खुशी होती है, मैं उनके लिए भी खुश होऊंगी, क्योंकि अगर हमारे दुख आपको खुशी देती है तो एट द एंड पुण्य तो हम ही कर रहे हैं और पुण्य करने के कोई मौका नहीं छोड़नी चाहिए, पता है। चलो आज के लिए इतना ही, मैं आपके साथ मिलूंगी जल्दी, आप अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन वेरी सून।